What is up, guys? So as you guys know, I am on the brink of selecting a new adventure touring motorcycle. And in the last video, we talked about the three choices that had me confused for a long time. The Africa Twin, the 850 GS and the Tiger 900 Rally Pro. आज के वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू विच इज द मोटरसाइकिल दैट वी हैव फाइनलाइज्ड. ऑल दी थ्री मोटरसाइकिल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ऑफर. ऑल दीज थ्री मोटरसाइकिल्स हैव अ 21 इंच फ्रंट व्हील. दैट इज समथिंग दैट आई नीड ऑन माई मोटरसाइकिल बिकॉज आई एम यूज टू राइडिंग विद दैट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन. दे आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स. द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द ब्रांड्स, द BMW बैज, ऑब्वियसली हर बंदा सोचता है कि यार एक BMW बैज का व्हीकल होना चाहिए अपने गैराज में. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू टॉक अबाउट द होंडा ब्रांड इज सुपर रिलायबल, इजी टू मेंटेन, जापानीज टेक्नोलॉजी, ऑल दैट स्टफ, राइट? एंड ऑन द अदर साइड देयर इज द ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो. द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स, स्पेशली इन इंडिया. सो एक्चुअली द कंफ्यूजन वॉज बिग टाइम एंड वेरी रियल. एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू माई थॉट प्रोसेस दैट led me to finally decide on the motorcycle that I'll be picking up hopefully in the next week or so. So let us get started with this. Basics pe jaate hain, bilkul basic tarike se evaluate karte hain. And I'll tell you why I went with the one that I finally chose. Thoda sa tricky tha, to maine kya kiya, Excel mein ek table banaya, usko badhiya se PowerPoint pe paste kiya. Bilkul office wala jo simple kaam hota hai na, wo kiya. And aapko wo PowerPoint slide dikhata hoon, uspe tino motorcycles ke specs likhe hoon hain. And uske baad I'll tell you in में से मैंने कौन सी चूज करी एंड क्यों चूज करी. सो गाइस, दिस इज द स्लाइड दैट वी हैव मेड. पावर पॉइंट का पहली बार कुछ बढ़िया काम करने में यूज किया गया है. जैसा कि आप देख रहे हो, आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल द स्पेक्स हियर. द थ्री मोटरसाइकिल्स, द 850 GS, द टाइगर 900 रैली प्रो एंड द एफ्रीका ट्विन. व्हाट आई विल डू इज डू अ सिंपल कंपैरिजन हियर. सो द नंबर वन फैक्टर फॉर मी इज ऑब्वियसली द वेट ऑफ द मोटरसाइकिल. एंड एज यू कैन क्लियरली सी, द 850 GS 233 kgs, 194 kgs on the Rally Pro, and 238 kgs on the Africa Twin. Ab Africa Twin mein actually do models aate hain, ek Adventure Sports aur ek normal wala model aata hai jo I would say a lower spec model hai, same price bracket mein padta hai Rally Pro ke. To main usse hi compare kar raha hoon, and that is a lighter model. The Adventure Sports model is I think 10 or 12 kgs heavier, which is like 248, almost 250 kgs. Weight wise dekha jaye to Tiger का वेट 194 केजी में सबसे हल्का है. नाउ इफ यू लुक एट द अदर फैक्टर्स, पावर इज नॉट समथिंग दैट इज मेजरली डिफरेंट. यू सी द 850 GS एट 95 bhp, टाइगर 900 एट 94 bhp, ऑलमोस्ट सेम है मामला. एंड एफ्रीका ट्विन इज एट 102 bhp. सो 5-6-7 bhp का फर्क इतना ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं होती है. 2-3 bhp तो लोग अपना एग्जॉस्ट चेंज करने से ही बढ़ा लेते हैं. सो आई एम नॉट डिगिंग इन टू दिस अलॉट. टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज 92 Nm, 87 Nm एंड 105 Nm. सो नंबर्स ये जो अफ्रीका ट्विन के हैं, आपको सारे थोड़े थोड़े बड़े हुए दिख रहे होंगे. आई एम स्टिल नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस नंबर्स, क्योंकि अफ्रीका ट्विन इज ऑब्वियसली अ 10 टू 12 kgs हैवियर मोटरसाइकिल देन द GS. एंड कंपेयर टू द 900 रैली प्रो, इट इज लाइक 35 टू 40 kgs हैवियर. 40 kgs हैवियर इज अ लॉट ऑफ वेट गाइस, एंड दैट इज डेफिनेटली अ बिग फैक्टर. द सिलेंडर्स, द 850 GS इज अ ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल. The Africa Twin is a twin cylinder motorcycle, but something interesting that is on offer is the 900 Rally Pro. On papers, it is a three cylinder motorcycle, but at the bottom end and in the mid range, it works like a twin cylinder. And this is courtesy the 132 firing order that recently came. अब इस 132 firing order का जो game है ना, वो बड़ा interesting है, क्योंकि जो lower end जहाँ पे 800 की grunt बहुत ज़्यादा कम लगती थी ना पहले, जहाँ पे stalling होती थी and थोड़ा सा ऐसा लगता था कि torque missing है 800 में, वो चीज कंप्लीटली रेक्टिफाई हो गई है 900 में. एंड वो जो इनिशियल 3000 4000 आरपीएम तक वो ट्विन की तरह बिहेव करती है, उसके बाद टॉप एंड में जाके कहीं वो ट्रिपल सिलेंडर की तरह रेव आउट होती है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज काइंड ऑफ पुशिंग द डिसीजन ऑफ
obviously towards the 900 rally pro till now. Service network is another big factor. I was looking for a brand that has a service network both in Delhi and in Chandigarh as well. So the BMW and the Triumph showrooms are there in both the cities. Africa Twin mein ye one of the biggest issues hai ki sirf Gurgaon mein service center hai. Overall inke jo big wing Honda wale service centers hai bhi bahut kam. So this is a negative point for me for the Africa Twin. Next up, let's talk about the service costs. Ab jab service cost ki baat kar rahe hain, to I have not put in those specific numbers here, but a general perception. So Triumph ki service I am aware of, it is something between 6,000 or maybe 10,000 rupees annually. That is the max that they would charge. BMW ki service, I think in every respect, sabse zyada mehengi padti hai. That is my perception so far. That is what I have gotten to know. Thoda sa dar bhi lagta hai yaar ki BMW mein kuch panga ho gaya to problem create hogi. The easiest and the simplest and the cheapest bike to maintain obviously is the Honda Africa Twin. Now let's talk about the instrument cluster. I feel that the 850 GS has the best looking instrument cluster. Wo jo blacked out screen uske upar jo graphics hote hain bahut badhiya lagte hain readability standpoint se. I would say that the Tiger 900 Rally Pro also has a good display. I like it. Thoda sa better ho sakta tha, but it does a lot of things very well. I feel that the Africa Twin display is good. In fact, the Africa Twin instrument cluster is similar to a CarPlay unit on any of the cars. So, wo next level display hai, but usme mere ko do major problems hain. Ek to wo na load hone mein bahut zyada time lagta hai. Pehle load hota hai, dheere se Honda ka graphic aata hai. Fir uske baad ek warning aati hai. Fir wo dheere se kahin load hota hai. That is something that I have experienced personally, and that is kind of a little irritating when you are in the middle of the ride. Agar bike aapki stall hui hai ya aapko ekdam se start karni hai, to aapko wo, I think 30 seconds type ka wait karna padta hai, which is not something any user would appreciate. One thing that I do not like about the display is the secondary display. Ek to major display hai, ek uske niche chota sa display hota hai. Wo bahut hi bakwas lagta hai dekhne mein. Kuch karna chahiye Honda ka usko. Mera perception hai, I don't know kai logon ko wo acha lagta hoga display, but I feel that looks pathetic, especially just below the CarPlay display. So display ke mamle mein I feel GS is the best. Comfort features ki baat kare to cruise control, heated grips, quick shifter, all these things are present in the 900 Rally Pro as standard. So fully loaded motorcycle, everything is there that you would ever wish for in terms of touring features, touring comfort, sab kuch milega aapko. BMW mein bhi most of the features are there. The Tiger 900 Rally Pro quick shifter is next level, by the way. It is very very smooth. BMW 850 GS ka maine try kiya hai, mujhe thoda sa personally kafi rough laga tha. Cruise control usme bhi aata hai, heated front seat to aati hai, रियर सीट का आई एम नॉट श्योर. अफ्रीका ट्विन में ये सारे फीचर्स सारे तो नहीं आते हैं, मुझे पता है कुछ फीचर्स कम हैं, बिकॉज अफ्रीका ट्विन का जो मॉडल मैं जिसकी बात कर रहा हूं मैनुअल मॉडल की, विच इज नॉट द एडवेंचर स्पोर्ट्स वर्जन, द टॉप एंड वर्जन, उसमें ऑब्वियसली थोड़े फीचर्स कट आउट हैं. लुक्स के बारे में बात करें, आई फील दैट द रैली प्रो लुक्स अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्लिमर डिजाइन. द सेकेंड प्लेस इन माई ओपिनियन, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनल ओपिनियन गाइज, आई feel goes to the 850 GS and Africa Twin. I do not like the looks, so ye mere liye almost out of contention hai motorcycle. Tank capacity ki baat karein to 15 liter tank on the 850 GS. I am not talking about the 850 GSA because again that is a 248 kg motorcycle, so out of contention I don't want that heavy a motorcycle. Tank capacity 20 liters on the Rally Pro and 18.8 liters on the Africa Twin. Next up is heat management, and in heat management I feel the best two motorcycles are the 850 GS and the Africa Twin. 900 Rally Pro has the worst heat management. Thoda sa uska solution hai, kuch jugaad hai, accessories laga ke heat flow ko idhar udhar deflect karte hain to mamla theek ho jata hai. That was all the specs about those three motorcycles, and finally the motorcycle that I decided to go with is the Tiger 900 Rally Pro. Yes, after the 800 I still feel that the 900 is an amazing option, and there are reasons to it. First, I'll talk about why I didn't choose the BMW 850 GS. The number one reason is BMW badge is an aspirational thing. I know everyone thinks ki BMW ki bike ya gaadi to honi chahiye garage mein, but mujhe na uski service cost se frankly thoda dar lagta hai. Thode se issues maine idhar udhar sune hain, and I feel ke 1250 GS agar leni ka aapka standard ho ya aapko 1250 GS leni hai, us type ka aap investment karna chahte ho,
देन इट इज टोटली वर्थ इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. बट 850 में ना वो बात नहीं है कि वो, आई मीन मेरे को बाकी सारी एडवेंचर बाइक्स जैसी लगती है फ्रैंकली स्पीकिंग. वी स्टॉर्म 650, 850 GS, मेरे को ऑलमोस्ट सेम टाइप की फील आती है. ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है BMW के नाम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें. थोड़े से क्वालिटी इश्यूज भी देखे हैं मैंने 850 GS में. फ्रेंड की जो बाइक थी 850 GS गोवा राइड पे, उसके स्पोक्स निकल रहे थे राइड के दौरान, सो दैट इज वन थिंग दैट आई सॉ. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली फील जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है ना 1250 GS की, वो सिर्फ उसी बाइक के लिए. 850 GS में ऐसा कोई लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पेशली कुछ ऐसा है नहीं. एंड उसका वेट भी टाइगर 900 रैली प्रो से अराउंड 25-30 किलो ज्यादा है. सो ये दोनों फैक्टर्स के कारण मेरे लिए 850 GS वॉज नॉट साउंडिंग अ वेरी वेरी अपीलिंग ऑप्शन. नेक्स्ट अप द अफ्रीका ट्विन, व्हाई डिडंट इट टिक द बॉक्सेस फॉर मी. वन वाज उसकी सर्विस नेटवर्क रीच बहुत लिमिटेड है. बिग बिंग होंडा सिर्फ गुड़गांव में है, ना चंडीगढ़ में है, विच इज लाइक क्लोज टू माई प्लेस वेर आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन हिमाचल. तो सर्विस कॉस्ट कम है, बट सर्विस करवाऊंगा कहां अगर सर्विस सेंटर ही पास में नहीं है तो. अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी बार भी मैंने अफ्रीका ट्विन चलाई है, आई फेल्ट लाइक इट वॉज अ बाइक विच हैड अ बिग फुटप्रिंट. ऐसा लगता है कि बड़ी बाइक चला रहे हैं उसको चलाते समय. इतनी ज्यादा निम्बल नहीं फील हुई मुझे. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द रीजंस के मेरा इतना अच्छा स्किल नहीं है ऑफ रोड राइडिंग का. बट यू हैव टू एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस एंड आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि ठीक है, नॉर्मल ठीक ठाक चला लेता हूँ ऑफ रोड को. ऐसा कोई तकड़ा मेरे को शू शां करने वाली चीज़ें आती नहीं है. सो दैट इज अनदर रीजन. जो उसमें ऑफ रोडिंग के हिसाब से बेस्ट मॉडल लगता है DCT वाला, वो आउट ऑफ बजट, आउट ऑफ रेंज, ऑब्वियसली बहुत ऊंची रेंज में चला जाता है. नाउ द रैली प्रो एक्चुअली टिक द लॉट ऑफ बॉक्सेस फॉर मी. इट इज एटलीस्ट 30 kg lighter than any of these motorcycles, the 850 GS or the Africa Twin. That is the major part. Second part, it has the twin and the triple cylinder character both. The 900 is an amazing machine. जैसे ही मैंने उसे test ride करा, मुझे ऐसा लगा यार कि क्या perfect connection बना है इस bike के साथ. Although उसकी आवाज वैसी नहीं है जो लोग Tiger 800 के साथ associate करते थे. That was like a sports bike engine in a adventure touring motorcycle. This is like a proper adventure touring engine in an adventure touring frame. इसमें सारे जितने भी creature comforts चाहिए आपको touring के लिए, cruise control, heated grip, quick shifter, TFT display, multiple charging ports, windscreen adjustment. Windscreen, by the way, is in the stock form, very good for the 900. तो उसमें भी additional पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. It's kind of a bike that is totally ready to take home and take for a long ride. And चंडीगढ़ में भी service available है उसकी. तो मैं कभी भी मनाली से या हिमाचल से आ रहा हूँ, I can get it serviced. दिल्ली में नारायणा में showroom खुल गया है, which is क्लोजर टू मी. पहले मेरे को ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव जाना पड़ता था सर्विस कराने, अब तो सेंट्रल दिल्ली में शोरूम है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रायम्फ का जो सर्विस कॉस्ट है उसके बारे में मेरे को थोड़ा आइडिया है. आई नो कि 7-8 मे बी 10 की सर्विस हो जाएगी साल में, 10,000 की, एंड साल में एक ही सर्विस होती है. सो इट्स नॉट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ नंबर, एंड थोड़ा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कंपेयर टू अ BMW. सो वेन विल आई गेट द 900 रैली ब्रो, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. And trust me guys, in the next 5-6 days max, we should be getting the 900 Rally Pro home. The good part is, as soon as we get the bike, we will be heading out for a 600 kilometer ride. I'll be riding back to Manali on the 900 Rally Pro. So, wo jo feel hai na, nahi bike ke saath seedhe trip pe nikalne ki, wo trip actually ab ghar wala jane ka route ban chuka hai. But that is going to be really amazing, and those 600 odd kilometers will feel like, matlab main kya बोलूं, मुझे ना वो फीलिंग बताने में ना मैं बता नहीं पा रहा उस फीलिंग को. कितनी खुशी हो रही है मुझे अभी भी ना, वो एक्साइटमेंट फील हो रही है कि वो ब्रांड न्यू बाइक ऑल लोडेड अप एंड सीधे लंबे ट्रिप पे. सो दैट इज द स्टेट ऑफ द माइंड राइट नाउ. सो दैट इज द अपडेट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस. आई विल होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी गो एंड सी हाउ द बाइक इज अनलोडेड. And after that, एक वीडियो डिलीवरी का भी बनाएंगे यार, बनता है. So stay tuned to the channel guys, a lot of content coming up your way. Till the next video, bye bye.